think I trust you. Yeah, you searching for. ओके सो गाइस, इस वाले वीडियो में देख ही सकते हो तो भाई तरीके से नियन इफेक्ट ऐड किया गया, उसके साथ साथ पजल इफेक्ट। तो गाइस इस वाली रील्स जो है इंस्टाग्राम पर तो भाई तरीके से ट्रेंड हो रहे हैं, और उसके बाद ये जो लाइक्स जा रहे हैं इस लोगों का मिलियन तक जा रहे हैं, और ये जो वीडियोस क्रिएट किया गया है जान सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट की जाती है, तो हम लोग मोबाइल में क्रिएट करने वाले हैं। ओके इस टाइप की रील आप लोग इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, तो गाइस ये वाले रील को मिलियन तक लाइक्स जा रहे हैं लोगों का। तो गाइस इस टाइप की रील अगर आप लोग क्रिएट कर चुके हैं, पजल इफेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, आप लोग को नियन इफेक्ट कैसे नहीं आता होगा, दो सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ नियन इफेक्ट ऐड करने के लिए। कैसे नियन इफेक्ट तो भाई बना देता है वीडियो को, आप लोग जानते ही होंगे। तो नियन इफेक्ट ऐड करने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि एक एप्लीकेशन होने वाली है। दो एप्लीकेशन से मैं नियन इफेक्ट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, वो भी वीडियो में, और पजल इफेक्ट के साथ साथ नियन इफेक्ट भी सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चले चलते हैं गाइस इस वाली एडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस देख ही सकते हो कुछ इस टाइप की पजल इफेक्ट आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है, तब वही तरीके से पजल इफेक्ट क्रिएट की जाएगी, उसके साथ साथ इस टाइप की जो नियन इफेक्ट है इसको क्रिएट करने वाले हैं। ओके और इस वाले वीडियो में कौन कौन सा स्टेप है जो कि आप लोगों को करना है, और ये वाला जो एनिमेशन देख रहे हो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए गाइस आफ्टर इफेक्ट जरूरत होती है, तो हम लोगों ने मोबाइल में क्रिएट किया है। सो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, और नियन इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने दो ट्रेंडिंग एप्लीकेशन बता रखा है वीडियो में, तो उसको जानने के लिए तैयार रहिएगा। और ये जो वीडियोज़ गाइस देख रहे हो ये आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया गया है तबाही तरीके से, और इसका क्रेडिट जाती है OG रोहन भाई को। तो इन भाई ने तबाही तरीके से लगता है आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट कर रखा है, तो चलिए हम लोग भी क्रिएट करते हैं मोबाइल में, हम लोग क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं। इस टाइप के नियन इफेक्ट क्रिएट करने घंटों टाइम वेस्ट हो जाते हैं, तो सीक्रेट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ एक ही क्लिक में नियन इफेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का क्या होने वाला है मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करना है, जो भी वीडियो को आप लोग को पजल इफेक्ट देना चाहते हो, नियन इफेक्ट देना चाहते हो, उस वीडियो को ओपन कर लेना है। आप लोग बाहर जाके शूट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं चाहता हूँ इस वाली घड़ी को पजल इफेक्ट क्रिएट करना और नियन इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो इस वाली घड़ी को यहाँ से मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्क्रीनशॉट मार लूँगा वीडियो ओपन करके। इस स्टेप से जिस भी वीडियो को आप लोग क्रिएट करना चाहते हो उस वाली वीडियो को स्क्रीनशॉट मार लेना है। तो गाइस इस वाली वीडियो में आप लोग ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि पूरे के पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। नियन इफेक्ट गाइस वन क्लिक में क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ से देख सकते हो ये वाला फोटो मुझे बिल्डिंग चाहिए, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट मारूंगा। उसके बाद प्ले स्टोर में जाकर आप लोग बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, जाके आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। बैकग्राउंड इरेजर बैकग्राउंड को तबाही तरीके से इरेज कर लेता है। सो हम लोग बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, तो इस टाइप का इंटरफेस है। तो लोड फोटो पर क्लिक कीजिएगा, तो जो फोटो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार रखा है उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ से क्रॉप कर लेना है जिस भी पोजीशन को आप लोगों को क्रॉप करना चाहते हो, यानी कि कट करना चाहते हो। ओके सो सिंपली आप लोगों को कट कर लेना है, सभी फ़ोटो को PNG बना लेना है। ओके तो पहला स्टेप आप लोगों का ये है, जो भी पोजीशन को आप लोगों को नियन इमेज क्रिएट करना चाहते हो या फिर नियन या फिर पजल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं। इस वाली पोजीशन को इरेजर में क्लिक करके मैनुअल में जाकर इस स्टेप से इरेज कर लेंगे। सो इरेज करने के बाद ये वाला PNG बन जाए तैयार हो जाएगा, तो इसको जीरो में क्लिक कीजिएगा, सेव में जाएगा और यहाँ से सेव कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ से फिनिश करेंगे, डन करेंगे, और उसके बाद जो भी वीडियो का पोजीशन को आप लोग क्रिएट करना चाहते हो नियन या फिर पजल इफेक्ट, उसको आप लोगों को कट कर लेना है उस पोजीशन को। ओके सो कट कर देने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, VPN गाइज कनेक्ट कर लेना है। गाइज कैपकट एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं है, आप लोगों को बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। सो यहाँ से उसके लिए आप लोग VPN कनेक्ट कर लीजिएगा। VPN कनेक्ट करके कैपकट एप्लीकेशन को गाइज ओपन करना है, तबाही तरीके से कैपकट एप्लीकेशन चलने वाली है। आप लोग कोई सा भी VPN यूज़ कर सकते हो, टर्बो VPN या फिर सिक्योर VPN, कोई सा भी VPN यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ से हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट में जाकर सिंपल हम लोग कैपकट ओपन करके जो भी वीडियो फुटेज आप लोगों को ज़रूरत होगी, जिस भी वीडियो फुटेज का आप लोगों ने कट आउट बनाया है, यानी कि नियन इमेज बनाने के लिए, नियन वीडियो बनाने के लिए, पजल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, उस वीडियो को आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। मैं पहले ये सभी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये डोजोर वाली वीडियो, इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं।
ओके सो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से ऐड कर लेंगे। पहले हम लोग क्रिएट करेंगे पजल इफेक्ट। तो गाइस पजल इफेक्ट आप लोग क्रिएट करना आता ही होगा, नहीं आता है तो यहीं से आप लोग सीख जाएंगे पजल इफेक्ट क्रिएट करना। सो सिंपल यहाँ से देख सकते हो मैंने फुटेज सब ले लिया है। आप लोग इसी टाइप से फुटेज को चेक कर लेना है कौन सा फुटेज आप लोग चाहिए। सो इसी टाइप से फुटेज मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाउनलोड करके भी ऐड किया है। सो आप लोग शूट कर सकते हो यहाँ पर बाइक में बैठ कर जाकर इस टाइप से, तो जो भी पोजीशन आप लोगों को नहीं चाहिए उसे आप लोग कट करके डिलीट कर सकते हो जो भी पार्ट। ओके सो यहाँ से हम लोग इस पार्ट को हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो अभी आप लोगों को गाइस पजल इफेक्ट क्रिएट करना है। ओके सो पजल इफेक्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। सिंपली यहाँ से जो भी पीएनजी क्रिएट कर चुके हो उसको ऐड करना है। उसके लिए गाइस आप लोग इस वाले वीडियो पर क्लिक करके आप लोग सबसे पहले स्पीड रैंपिंग गाइस करना है। ओके स्पीड रैंपिंग करने के लिए स्पीड में क्लिक कीजिए, कर्व में गाइस आप लोगों को जाना है। तो कर्व में जाने के बाद आप लोगों को कस्टम गाइस मिल जाए करेगा, कस्टम देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ है फास्ट में, तो कस्टम में क्लिक कर लेना है। तो सभी वीडियो को आप लोग स्पीड रैंपिंग करेंगे तभी जाके परफेक्ट ये वाला इस टाइप की वीडियो बनेगा। तो पहला स्टेप है स्पीड रैंपिंग। तो स्पीड रैंपिंग करने के लिए आप लोग कस्टम में जाइए। तो यहाँ से आप लोग इस वाली आइकन देख रहे हैं गाइस, ये जो आइकन बना है इसको आप लोगों को नीचे ले आना है, ये स्लो हो जाएगा। और इसको आप लोगों को एक पार्ट को ऊपर लेना है इस टाइप से, और एक पार्ट को नीचे ले जाना है। और ये स्पीड होगा, जहाँ से स्लो होगा वहीं से आप लोगों को पजल इफेक्ट क्रिएट करना है। ओके तो सिंपली यहाँ से देख सकते हो यहीं से हमारी स्पीड रैंप बढ़ेगी और यहाँ से कमेगी, बढ़ेगी यहाँ से कमेगी। इस टाइप से आप लोग को स्पीड रैंपिंग कर लेना है। ओके सो इसी टाइप से आप लोग सभी वीडियो में स्पीड रैंपिंग कर सकते हो, और कुछ कुछ वीडियो में आप लोग रिवर्स ऐड करना है। ओके तो याद रखिएगा गाइस रिवर्स भी ऐड करना है। सिंपली एक वीडियो को स्पीड रैंपिंग कीजिएगा, एक वीडियो को आप लोग को रिवर्स करना है। सो सिंपली यहाँ से देख सकते हो ये वाला वीडियो को हम लोग स्पीड रैंपिंग कर सकते हैं या फिर रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्स करने के लिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, तो यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ से जाना है यहाँ पे एंडिंग में, तो यहाँ से आप लोगों को रिवर्स मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो रिवर्स लिखा हुआ है, सो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, रिवर्स हो जाएगी आप लोग की वीडियो। ओके तो इस टाइप से बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो सो सिंपली आप लोग रिवर्स करेंगे तो और भी इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी, जैसे कि पहले जाएगा फिर ऊपर से होकर वापस आएगा, तो इस स्टेप से कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे इसे स्पीड थोड़ा सा कर लेते हैं, और ये वाला पार्ट को चाहिए तो रिवर्स भी कर लेंगे। तो इस घड़ी वाली इमेज को हम लोग तबाही तरीके से इफेक्ट वगैरह ऐड करेंगे और रिवर्स वगैरह करेंगे। तो सिंपली यहाँ से इस बार घड़ी वाली इमेज को क्लिक करके स्प्लिट करेंगे, और ये वाला पार्ट को हम लोग रिवर्स करने के लिए लास्ट में जाएंगे टूल्स में। तो यहाँ पे आप लोगों को रिवर्स करके एक आइकन मिलेगा, तो रिवर्स उसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये वाला पार्ट जो है रिवर्स होके आएगा। ओके तो इसी टाइप से एडिटिंग करना है गाइस आप लोगों को। ये वाला पार्ट को आप लोगों अगर आगे जाएगा तो फिर ये वाला पार्ट घूमकर रिवर्स होकर आएगा, तो ये वाला पार्ट को आप लोग छोड़ देना है, क्योंकि हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे। और ये वाला पार्ट को हम लोग जो डोजर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो गाड़ी का जो टेक्स्ट आइकन बना हुआ है, उसको हम लोग मॉडिफाई थोड़ा सा करेंगे। और इसको आप लोग रिवर्स वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक पार्ट को हम लोग छोड़ रहे हैं, फिर एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे स्प्लिट करके स्पीड रैंपिंग कर सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कस्टम में जाकर यहाँ पे जो बनाते हैं स्पीड्स, सो उसको हम लोग स्पीड रैंपिंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग स्पीड रैंपिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो यहाँ से स्टेप से बना लेना है। सो यहाँ से बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से एक पार्ट को नीचे कर लेंगे। तो इसी टाइप से एक और पार्ट को भी हम लोग स्पीड रैंपिंग करेंगे। जिस भी वीडियो को स्पीड रैंपिंग कर रहे हो उसको आप लोग देख कर करना है कौन सी पार्ट आप लोग अच्छी लगेगी, कौन सी पार्ट इस वीडियो में रिवर्स बना हुआ है। तो ये वाला जो रोड वाली वीडियोस क्रिएट करते हो रोड में जाते हो उसको आप लोग स्पीड रैंपिंग कीजिएगा। तो तीन चार वीडियो में हम लोग स्पीड रैंपिंग कर चुके हैं, तो आप लोग अभी प्ले करके देख लेना है किस टाइप का वीडियो बना है। तो इस टाइप से आप लोग प्ले कीजिएगा। ओके तो ये वाला पोजीशन को हमें कट करके ये जो सर्कल वाला दिख रहा है इसको हम लोग पजल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कुछ ही पार्ट को हम लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो अभी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो इस टाइप से तो इसको हम लोग पजल इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे, इसको भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। और ये डोजर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था नंबर्स, उसको भी हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलते हैं वहाँ पे इस बार डोजर में, ये जो 4B लिखा हुआ इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस टाइप से। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो सभी को स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी गाइस आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में जाना है, और जो भी कुछ बचा होगा उसको आप लोग
स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको आप लोग इरेज करके सेव कर लेना है। ओके, तो इस टाइप से तो हम लोग इरेज कर चुके हैं। अभी आप लोग पजल इफेक्ट गाइस क्रिएट करना है। पजल इफेक्ट गाइस क्रिएट करने के लिए सिंपली गाइस यहाँ से थोड़ा सा जहाँ तक आप लोग देख सकते हो ये जो सर्कल वाला जो आइकन दिख रहा है स्टॉप वाला, सो उसके ऊपर यहीं से आप लोग आगे जाना है ओवरले में क्लिक करके। तो जो पीएनजी बना है वो फोटोस में होगा तो उसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेना है। फिर गाइस देख सकते हो इसको आप लोग ऐसे बड़ा करके रख सकते हो, यहाँ पर आगे रख सकते हो ताकि ये एनिमेशन से आएगा। ओके, सो सिंपली यहाँ से आप लोग क्या करना है इस टाइप से वीडियो को जहाँ तक पहुँच जाएंगे आप लोग उस स्टॉप में। ओके, इसको हम लोग छोटा कर लेंगे, यहाँ तक जहाँ तक आप लोग स्टॉप में पहुँचेंगे वहीं तक आप लोग को इसे एक और स्टेप करना है वहाँ पे। तो सिंपली गाइस आप लोग एनिमेशन क्रिएट करने के लिए इसको बड़ा करके रखना है यहाँ पे इतना तक, और इसे एनिमेशन क्रिएट करने के लिए गाइस आप लोग एनिमेशन में जाना है। तो यहाँ से कोई सा भी एनिमेशन आप लोग लगा सकते हो। सो यहाँ से मैं ये वाला एनिमेशन लगा लेता हूँ, शेक वाला। सो इस टाइप से शेक होकर आएगा तो इसको हम लोग एनिमेशन लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग डन करेंगे इस टाइप से। सो डन करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप से एनिमेट होकर आएगा। तो एंडिंग में जो पीएनजी का एंड होता है जहाँ पे, वहाँ पे आप लोगों को की फ्रेम का यूज़ करना है एंडिंग में। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे स्टॉप में। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ तक आप लोगों को की फ्रेम दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर गाइज इसको छोटा करके यहाँ से स्टॉप जहाँ पे बना हुआ है सर्कल वहीं से जोड़ कर आप लोग रख देना है। ओके, इस टाइप से रख देंगे। तो जब आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे ये पजल पेड़ वहाँ तक एंड हो जाएगा इस टाइप से। ओके, सो इस पर ट्रिक को आप लोग जान लेना है। फिर गाइज आप लोगों को नेक्स्ट पजल पेड क्रिएट करने के लिए फास्ट वीडियो से ही स्टार्ट करना है। सो यहाँ से ओवरले में क्लिक करेंगे, फोटोस में जाएंगे, तो यहाँ से जो पीएनजी आप लोगों ने क्रिएट कर रखा था उसको हम लोग ऐड करेंगे। ये जो पीएनजी कहाँ गया, नेक्स्ट पीएनजी, तो यहाँ से ये वाला पीएनजी है तो इसको ऐड करेंगे। फास्ट वीडियो से स्टार्ट से आएगा, फास्ट वीडियो से आएगा, फिर सेकंड वीडियो जहाँ पे एंड होता है वहीं से आप लोग को कट कर लेना है इतना तक। ओके, तो फास्ट वीडियो से शुरू होकर आएगा ये पीएनजी, फास्ट वीडियो में ही आएगा, फिर सेकेंड वीडियो से एंड होगा। ओके, तो इसी टाइप से पजल इफेक्ट क्रिएट करना है गाइज आप लोगों को। उसके लिए हम लोग एनिमेशन थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके ऊपर, इस टाइप से एनिमेट होगा। फिर गाइज यहाँ से आप लोगों को डन करना है। ओके, तो यहाँ से डन करेंगे। फिर गाइज यहाँ से आप लोगों को जहाँ से एंड होता है उसके लिए आप लोगों को की फ्रेम में गाइज क्लिक कर लेना है। ओके, जहाँ तक ये वाला वीडियो आ जाता है उसको आप लोगों को मिला लेना है। इसके लिए हम लोग की फ्रेम में गाइज क्लिक करेंगे। तो की फ्रेम में क्लिक कर देने के बाद गाइज आप लग इसे जोड़ लेना है बिल्कुल टू सेम जैसे कि लगे। ओके, सो इस टाइप से करके रखना है। फिर गाइस प्ले करेंगे कुछ इस टाइप से आप लोगों को सेट कर देंगे। ओके, तो इसी टाइप से आप लोगों को रख लेना है। और ये घड़ी वाली इमेज को आप लोगों को तबाही तरीके से क्रिएट करना होगा। मैं ऐसे इसे बड़ा कर लेता हूँ। और इसको पजल इफेक्ट क्रिएट करना बहुत ही आसान है, तो दोनों स्टेप मैंने बता रखा है। तो उसी स्टेप में आप लोग पजल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो पहले एनिमेशन लगा लेते हैं। ओके, तो एनिमेशन ये वाला जूम वाला लगाएंगे, जूम वन को आप लोग जूम टू ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग जूम वन लगाएंगे, तो यहाँ से डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसे फास्ट वाली जो वीडियो है उसके ऊपर आएगा ये वाला पीएनजी, उसके बाद जो घड़ी वाली वीडियो है उसके ऊपर एंड होगा। ओके, सो उसके लिए आप लोग क्या करना है, की फ्रेम में क्लिक कर लेना है और इसे छोटा करना है। छोटा करके जहाँ से घड़ी है वहीं तक आप लोग को सेट कर लेना है इसे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग सेट कर लेंगे, तो देख सकते हो। उसके बाद आप लोग इस वाली घड़ी इमेज के ड्यूरेशन को क्रॉप करके छोटा कर लेना है इस टाइप से। ओके, तो यहाँ से प्ले करके गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों की पजल इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये रिवर्स होके आएगा। उसके बाद ये जो डोजर वाली वीडियो है इसको भी हम लोग को थोड़ा सा एडिट करना है। तो इसके लिए हम लोग ओवरले ऑप्शन में गाइस हम लोग जाएंगे। फास्ट वीडियो से घड़ी वाली वीडियो से क्रिएट होगा, ओवरले में जाएंगे तो जहाँ से हम लोगों ने कट करके रखा था इसके जो नंबर्स वगैरह को उसको हम लोग लेकर आएंगे। तो उसके नंबर्स कहाँ गए, तो यहाँ पे बना हुआ है। सो इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये वाली जो इमेज होगा ये पहले रहेगा जो घड़ी वाली इमेज के ऊपर रहेगा पीएनजी। ओके, सो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को एनिमेशन में जाना है। इसके एनिमेशन को स्पिन लेफ्ट कर लेना है। ओके, अलग अलग एनिमेशन आप लोगों को रखना है। तो आप लोग अलग फ़ोटो में अलग अलग एनिमेशन रखेंगे तो नया क्रिएटिविटी दिखेगा। तो इस वाली फ़ोटो में हम लोग इस टाइप से एनिमेशन रखेंगे स्पिन लेफ्ट। तो यहाँ से डन करेंगे।
ओके तो डन करने के बाद कुछ इस टाइप से एनिमेशन होकर आ जाएगा। जब डूजर वाली वीडियोस गाड़ी वाली वीडियोस आ जाती है तो वहाँ से आप लोग स्क्रॉल करके छोटा कर लेना है। फिर गाइस जो नंबर्स वहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए जोड़ने के लिए गाइस आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ से ये PNG पे क्लिक करके की फ्रेम में क्लिक कर लेना है। की फ्रेम में क्लिक करके इसको छोटा करके इस टाइप से आप लोग जो लिखा हुआ है नंबर्स वहीं तक आप लोग जोड़ कर इस टाइप से रख लेना है। ओके सो इस टाइप से रख लेने के बाद गाइस आप लोग प्ले करके देखेंगे कुछ इस टाइप से आप लोग वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो PNG है ये छोटा हो गया, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं इस टाइप से। सो यहाँ से इस वाले PNG में गाइस हम लोग क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग इस टाइप से बड़ा कर लेंगे। ओके तो जूम करके इस टाइप से दोनों उंगली से बड़ा कर लेंगे तो ये जो इफेक्ट होकर आएगा ये घूम कर आएगा, दिखने में बहुत ही ऑसम लगेगा इस टाइप से और वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। ओके सो इसी टाइप से सभी वीडियो को आप लोगों को क्रिएट कर लेना है PNG बनाकर, जो बैकग्राउंड इरेजर से PNG बना लेना है और इस टाइप से सभी वीडियो को पहले पजल इफेक्ट क्रिएट करके रख लेना है। पहला स्टेप आप लोग का ये पजल इफेक्ट क्रिएट करके रखना है, उसके बाद एनिमेशन वगैरह लगाना है। जैसे कि दोनों स्टेप मैंने आपको बताया है, पजल इफेक्ट क्रिएट करना और उसके बाद एनिमेशन क्रिएट करना। मैं अभी वीडियो को स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों को वेस्ट ना हो। तो ये वाला PNG को हम लोग इस टाइप से रखेंगे और उसके लिए एनिमेशन यूज़ करेंगे, उसके बाद की फ्रेम को यूज़ करेंगे। तो गाइस ध्यान में रखिए कि एनिमेशन पहले यूज़ करना है, उसके बाद एंडिंग में जो वीडियो पार्ट आ जाता है उसके ऊपर आप लोग की फ्रेम यूज़ करना है। ओके तो यही दो स्टेप को पजल इफेक्ट को क्रिएट करने में आसान बना देती है, तो आप लोग को यही जो स्टेप करना है। तो यहाँ से की फ्रेम में क्लिक करेंगे, एंडिंग में जो एनिमेशन एंड होता है जहाँ पे की फ्रेम में क्लिक करके इसको छोटा करके जहाँ तक ये वाला जो वीडियो जो पोजीशन है इस वाली इमेज का PNG का वहाँ तक आप लोग सेट कर लेना है। यही स्टेप पे आप लोग करना है। ओके तो ये देख सकते हो हमारे PNG वहाँ तक लग चुके हैं और पजल इफेक्ट क्रिएट करना आप लोग का अच्छे तरीके से गाइस सीख गए होंगे। तो पजल इफेक्ट सीख गए होंगे तो अभी आप लोग क्या करना है, म्यूजिक ऐड करना है। ये जो म्यूजिक है गाइस मैं आपको देने वाला हूँ परफेक्टली मैच कर जाता है इस टाइप की वीडियोस में। जैसे कि आप लोग इस टाइप की पजल इफेक्ट क्रिएट करेंगे, इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करेंगे, कोई से भी वीडियो क्रिएट करेंगे, ये म्यूजिक जो है परफेक्टली मैच कर जाता है। तो गाइस आप लोग इस वाले म्यूजिक को यूज़ कर सकते हो और कोई सा भी म्यूजिक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने ओरिजिनल लिंक्स वगैरह दिया हुआ है ओरिजिनल ऑडियो के इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पर आप लोग वीडियोस डाउनलोड करके म्यूजिक यूज़ कर सकते हो। ओके सो म्यूजिक उसके बाद आप लोग को डाल लेना है इसमें। तो मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि वीडियो हमारी कैसे बनी है, अच्छी खासी वीडियो बनी है। उसके बाद ये एंडिंग में जो बॉस चला जाती है तो उसमें बॉस का भी साउंड आती है। ओके सो सिंपली यहाँ से फाइल में जाएंगे, ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो में जाकर तो वायरल वीडियो का साउंड का हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो इस स्टेप से मैंने वायरल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब जाके वहाँ से डाउनलोड करके म्यूजिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से म्यूजिक हमारे आ चुके हैं तो साउंड वीडियो क्लिप का वॉल्यूम को ऑफ कर लेना है तो आप लोग एक बार प्ले करके देख लेना है म्यूजिक आप लोग कैसी लगती है। तो इस टाइप से हम लोग म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। तो म्यूजिक ऐड करने के बाद एक बार प्ले करके कैसे आप लोग को वीडियो को देख लेना है कि वीडियो हमारी कैसे बनी है। ओके सो हमारी वीडियो इस टाइप से बन चुकी है। तो यहाँ से कट वगैरह भी अच्छे तरीके से आ रहे हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेते हैं वीडियो को एक्सपोर्टिंग में क्लिक करके। तो 100 होने के बाद गाइस एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद स्टेप आती है नियॉन वीडियो एडिटिंग का। तो नियॉन इफेक्ट ऐड करने के लिए गाइस मैंने स्टेप बताया है मोशन निंजा एप्लीकेशन, गाइस आप लोगों को इसे डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से मोशन निंजा को। ओके तो न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लस आइकन में क्लिक करेंगे तो एक ही क्लिक में गाइस आप लोगों को नियॉन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप लोग जो PNG बना रखा है घड़ी का PNG उसके ऊपर क्लिक करना है पिक्चर्स में जाकर। सो उस PNG कहाँ गया, वो PNG घड़ी वाली, तो ये रहा घड़ी वाली PNG। तो घड़ी वाली PNG के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जो भी PNG के ऊपर आप लोग नियॉन इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं। सो ये है कि सिंपल स्टेप में और एक स्टेप बताना पड़ा वो भी थोड़ा हार्ड होने वाली है। इस बार घड़ी वाली इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद एडिट ऑप्शन में गाइस क्लिक कर लेना है। ओके सो एडिट में जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को कटआउट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके सो यहाँ से डन करना है। फिर गाइस यहाँ से आप लोगों को इफेक्ट्स मिलेगा, इफेक्ट्स ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से सबर करके लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है सेबर। ओके सो वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से नियॉन वाली देख सकते हो फास्ट वाला पिंक वाला, उस पर ऊपर क्लिक करके प्रीसेट 2 पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से नियॉन इफेक्ट आप लोगों का चलने लगेगा वीडियो में। तो ये वाला ट्रिक गाइस आप लोग कैसी लगेगी कमेंट करके बता सकते हो। तवाई वाली ट्रिक है तो की फ्रेम पे क्लिक करके इसे बड़ा छोटा कर सकते हो और इसे एडजस्ट करके भी अच्छे तरीके से रख सकते हो, यहाँ से ग्लो वगैरह फ्लिप वगैरह, और यहाँ से की फ्रेम पे क्लिक करके अच्छे तरीके से
इस वाली इफेक्ट को और भी क्रिएटिविटी बना सकते हो। ओके, और इसका ह्यू वगैरह भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है। तो ये वाली एप्लीकेशन आप लोग कैसे लगी, और ये ट्रिक किसी को भी नहीं पता है, आप लोग किसी भी बाइक वगैरह वीडियो में इनियन इफेक्ट ऐड कर सकते हो इस वाली एप्लीकेशन का यूज़ करके। तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा ये वाली एप्लीकेशन को इनियन इफेक्ट ऐड करने के लिए। सो यहाँ से हम लोग इसे बैक कर लेते हैं, अच्छे से देख सकते हैं लग चुका है या नहीं। तो ये जो इफेक्ट है घूमने लग जाए, तो ये घुमाने के लिए हम लोग थोड़ा सा और भी मेहनत करना पड़ेगा इसमें। तो मैं इसे अनडू कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हो प्ले करेंगे तो घूमने लग जाता है ये इफेक्ट। ओके, तो इफेक्ट को ये स्टेप से घूमने लगता है। ओके, तो इसको एडजस्ट करके ही रखना है आप लोगों को, मेरा काम था आप लोग का बता देने का। उसके लिए आप लोग को लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ये देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट है नियॉन का, तो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो इस टाइप से। ओके, सो ये एक एप्लीकेशन था नियॉन इफेक्ट ऐड करने के लिए। अगर आप लोग को ये एप्लीकेशन नहीं पसंद आती है तो मैं दूसरी एप्लीकेशन बताऊंगा, दूसरा नियॉन इफेक्ट ऐड करना बताऊंगा, उसके लिए भी आप लोग को वीडियो में बने रहना है। तो इसी वीडियो से ही नियॉन इफेक्ट क्रिएट करना आप लोग सीख ही गए होंगे, तो ज़्यादातर ट्यूटोरियल आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। सो सिंपली यहाँ से इस टाइप से वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से प्लस का आइकन, फिर यहाँ से एंडिंग का आइकन बनेगा। ओके, तो ये हो गया, अब प्ले करके देखते हैं कि किस टाइप का दिखता है। ओके, तो ये घूमेगा इस टाइप से। ओके, तो इस टाइप से घूमने लगेगा। यहीं से आप लोग नियॉन इफेक्ट गाइस चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। ये PNG बनकर, जो भी PNG बनेगा उसके ऊपर नियॉन इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो शायद किसी ने एक दो लोग बताए होंगे यूट्यूब में, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर ये सही से नहीं बन रहा है तो ये देख सकते हो घूम ही रहा है। तो यहाँ से प्ले कर लीजिएगा, तो इस टाइप से। तो उसके बाद गाइज आप लोग को इस वाले वीडियो को इस टाइप से छोटा कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से आप लोग को बैक कर लेना है, एक्सपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, एक्सपोर्ट कर देने के बाद ये एक नियॉन इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों को ये स्टेप बहुत ही इजी स्टेप था, तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो यहाँ से आप लोगों को VN एडिटर को गाइस ओपन कर लेना है। VN एडिटर उसके लिए ओपन करेंगे। VN एडिटर को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, जो वीडियो हमने कैपकट में सेव किया था उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सो इस टाइप से इंपोर्ट कर देने के बाद गाइस आप लोग क्या करना है, सिंपली यहाँ से जहाँ तक घड़ी आ जाती है वहीं तक आप लोग जाना है उस पोजिशन में। तो यहाँ से आप लोग टैप एंड ऐड स्टिकर ऑप्शन में क्लिक करके फोटो एंड वीडियो में जाना है। तो जो वीडियो हमने नियॉन इफेक्ट क्रिएट कर रखा था उस वीडियो को लेकर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्रॉप कर लेना है, तो यहाँ से क्रॉप में जाएंगे। ऐसे मोशन निंजा का लोगो हटाने के लिए मैंने क्रॉप किया है, तो आप लोग को क्रॉप कर लेना है। ओके, तो इस टाइप से क्रॉप कर लेंगे। और उसके बाद आप लोग गाइज आप लोग जाना है ब्लेंडिंग में। तो ब्लेंडिंग में जाकर यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन गाइज आप लोग चूज़ कर लेना है इस टाइप से। ओके, सो स्क्रीन चूज़ करेंगे तो यहाँ से डन करेंगे। तो इसको आप लोग को घड़ी के बिल्कुल सेम टू सेम रख देना है, और इस स्टेप से आप लोग का नियॉन इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आप लोग ये वाला नियॉन इफेक्ट अच्छी नहीं लगती है तो दूसरा स्टेप भी आप लोग को सीख लो, तो उस स्टेप को भी करोगे तभी परफेक्ट, तो वो इफेक्ट भी परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। ओके, सो ये वाला स्टेप को हम लोग कर लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक अच्छी लगे आप लोग वहीं तक रखना है। तो स्क्रॉल करके तो यहाँ से देख लेते हैं कहाँ तक अच्छी लगती है। सो थोड़ा सा डार्क वीडियो हो तो नियॉन इफेक्ट बहुत अच्छी लगेगी। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो कुछ इस टाइप की, यहाँ से वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। ओके, सो इस टाइप से हम लोग स्क्रॉल करके एंडिंग तक ले जाएंगे। ओके, तो ये बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से परफेक्टली गाइस आप लोग को सेट करना होगा, बस यही बात है। तो यहीं तक आप लोग का नॉर्मल लाइटन वगैरह भी आती है, लाइटन ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग को ये वाला स्टेप अच्छी नहीं लगती है नियॉन इफेक्ट ऐड करने के लिए, तो मैं दूसरा जो स्टेप बताने वाला हूँ वो बहुत खतरनाक स्टेप है। ओके, तो उस स्टेप को यूज़ कर लेते हैं, तो देख ही सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप लोग चाहो तो ये वाला ऑप्शन को ऐड कर सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके, तो इसे भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाला स्टेप था मैंने आप लोगों को बताने के लिए, तो नियॉन इफेक्ट ऐड करने के लिए।
ये वाला स्टेप आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो। अभी आप लोग गाइस क्या करना है, अगर आप लोग ये मुझे ये वाला स्टेप अच्छी नहीं लग रही, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ से ये वाला वीडियो को यहाँ से हटा दूँगा। अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओके। गाइस यहाँ से मैं अलाइट मोशन एप्लीकेशन ऐड कर लूँगा। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन गाइस आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, अलाइट मोशन प्रो वाला, ओके। तो उसको ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को प्लस का आइकन मिल जाता है, वहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेना है, ओके। तो प्लस में आइकन क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रिएट ए प्रोजेक्ट वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। 9:16 रखिएगा हमारे रील का साइज है। तो यहाँ से प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, मीडिया ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ से स्क्रॉल करके जो वीडियो फुटेज है हम लोगों ने सेव कर रखा था उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। जो वीडियो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था कैपकट में, उस वीडियो को हम लोग को ऐड कर लेना है। ये सभी इफेक्ट वगैरह लग चुके हैं, पजल इफेक्ट वगैरह, अभी हम लोग को नियन इफेक्ट इसी में ही क्रिएट करना होगा, ओके। मैं इस वाले वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ से हम लोग घड़ी वाली वीडियो में पहुँचेंगे, कहाँ गया घड़ी वाली वीडियो। यहीं से घड़ी वाली वीडियो आखिर शुरू होती है, तो ये जूम होकर आता है, फिर यहाँ से पजल इफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहीं से गाइस आप लोगों को क्या करना है, प्लस का आइकन मिल रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप लोगों को फिर गाइस यहाँ से प्लस आइकन में क्लिक करके मीडिया में जाना है, ओके। तो मीडिया ऑप्शन गाइस दिख रहा होगा आपको, प्लस आइकन में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से मीडिया में जाएंगे। तो अभी आप लोगों को घड़ी वाली PNG को लेकर आना है, तो घड़ी वाली PNG यहाँ पर है, उसको लेकर आएँगे। तो इस PNG को हम लोग सेट करेंगे घड़ी के ऊपर सेम टू सेम। सेट करके ऐड इफेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ से सर्च में जाना है आप लोगों को। फिर से अलाइट मोशन मेरा कट हो गया। उसके बाद गाइस आप लोग इफेक्ट दिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना है इफेक्ट का ऑप्शन में। यहाँ से हम लोग इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ऐड इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को सर्च का आइकन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोग लिख देना है यहाँ से इलेक्ट्रिक एड्स, ओके। इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना है इलेक्ट्रिक एज को, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर टैप करना है, ओके। इसके ऊपर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग हम लोग रखेंगे। तो ये देख सकते हो नियन इफेक्ट इसके बैकग्राउंड में आ चुके हैं। और इसको जो फायर इफेक्ट क्रिएट करना है, ये फायर होके आएगा फिर चला जाएगा। इसको क्रिएट करने के लिए गाइज आप लोगों को नीचे जाना है, यहाँ से मास्क ऑप्शन गाइज मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक की फ्रेम मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है, ओके। की फ्रेम पे क्लिक करके इसको एडजस्ट करेंगे तो देख सकते हैं ये जो इफेक्ट है जो जलने लगने का, ओके। तो देख सकते हो ये फायर होने लगेगा। इसको जो इसकी जो फायर इफेक्ट को ऑफ करने के लिए ऑफ होकर फिर ऑन होकर आएगा, इस टाइप से फायर बुझकर ऑन होकर आएगा। उसकी क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए और भी एक स्टेप मेरे पास है, तो इवोल्यूशन को हम लोग बढ़ाएंगे, ओके। उसी स्टेप को करने के लिए गाइस आप लोगों को ये वाले फायर इफेक्ट गाइस दिख रहे हैं, उसके ऊपर गाइस आप लोग क्लिक कर देना होगा, ये वाले फायर इफेक्ट, ये जो घड़ी के PNG के ऊपर। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, इलेक्ट्रिक एज में जाएंगे, सबसे लास्ट में आप लोग जाना है, ओके। सबसे लास्ट में आप लोगों को मास्क ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ओके। यहाँ से ग्लो वगैरह भी है, स्पीड वगैरह भी है। यहाँ से आप लोगों को सबसे एंड में मास्क में जाना है, तो यहाँ से स्ट्रेंथ को आप लोगों को माइनस की ओर ले जाना है पहले, ओके। तो ये स्ट्रेंथ को प्लस की ओर ले जाएंगे तो स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो ये देख सकते हो ये फायर इफेक्ट कहाँ चला गया है। तो इस स्टेप को करने के लिए की फ्रेम पे एक बार क्लिक करना है और इस वाली स्ट्रेंथ को आप लोगों को बढ़ा लेना है। फिर क्या इसी वीडियो को आगे लेना है तो इस स्ट्रेंथ को आप लोग कम कर लेना है, ये फायर इफेक्ट होकर आ जाएगी, ओके। तो इसी टाइप की स्टेप आप लोग करना है, तो ये स्टेप कर लोगे तो आप लोग की फायर इफेक्ट क्रिएट होने लग जाएगी, ओके। फायर इफेक्ट होने के बाद यहाँ से परफेक्ट जगह पे घड़ी जहाँ पे हुए वहीं से आप लोग सेट कर देना होगा इसको। इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, तो इस टाइप से देख सकते हो स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करेंगे तो आप लोग की जो फायर इफेक्ट है वो बढ़ेगा फिर कमेगा, ओके। इस टाइप से बनेगा और चला जाएगा। तो ये वाली नियन इफेक्ट यहाँ पर भी बन सकता है अलाइट मोशन में। तो ये वाला स्टेप आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, और ये वाला स्टेप को क्रिएट करना आप लोग आसान लग रहा है या ज़्यादा कठिन लग रहा है उससे, जो वाला मोशन निंजा से वो वाला स्टेप आप लोग अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। तो दोनों स्टेप मैंने बता रखे हैं, दोनों ट्रिक बता रहे हैं, पूरे के पूरे यूट्यूब में आप लोग कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो ये ट्रिक आप लोगों को मिल सकता है अलाइट मोशन का, और ये जो मोशन निंजा का जो स्टेप बताया है वो स्टेप आप लोग को नहीं मिलेगा।
तो वीडियो गाइस कैसे लगे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो यार, क्या कर रहे हो, वीडियो को दूसरे साथ शेयर करो। और वीडियो बड़ी ही मेहनत बनी है और रात के 2 बजे तक मैंने वीडियो क्रिएट किया है इस वाली एडिटिंग को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे सेट कर लीजिएगा, यहाँ से वीडियो को सपोर्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी वायरल एडिटिंग।